हेलो दोस्तों दोस्तों आपने प्राचीन काल में एक एक्वावेशर पद्धति सुनी होगी, जिसके द्वारा दोस्तों लोग अपने शरीर का इलाज करते थे। मतलब आज बात करूंगा दोस्तों हमारे हाथ में कि हाथ में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है उंगलियों में जो कि हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त करेंगे। ओनली उनके जो पॉइंट है, मतलब जो स्पेशल पॉइंट है उनको दबाकर या उनकी मसाज कर। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी उंगली की। जैसे कि आप फोटो के अंदर देख पा रहे हैं तो छोटी उंगली दोस्तों किडनी और सिर से जुड़ी होती है, और इस उंगली की मसाज करने से सिर दर्द गायब होता है और हमारी किडनी स्वस्थ रहती है। तो हमेशा कभी भी आपको सिर दर्द हो तो इसकी आपको मसाज करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी उंगली के बारे में, बोले तो तर्जनी उंगली के बारे में। तो मनोदशा से जुड़ी हुई है तथा मन खराब होने या शांति पाने के लिए उंगली को मसाज करके खींचे आपका मूड खिल जाएगा। अगर कभी आप उदास हो और आपका जो मूड है अगर वो खराब हो तो इस उंगली की आपको मालिश करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बीच की उंगली के बारे में, यानी कि मध्यमा उंगली के बारे में। तो परिसंचरण से जुड़ी होती है, चक्कर या बेचैनी होने पर उंगली पर मालिश करने से आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तर्जनी उंगली के बारे में। तो ये आँख से जुड़ी हुई है और पेट दर्द हो तो उंगली को हल्का सा रगड़ें तो उससे दर्द गायब हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अंगूठे की। तो ये फेफड़ों से जुड़ा होता है और दिल की धड़कन तेज होने पर हल्के हाथों से अंगूठे की मसाज करनी चाहिए, इससे दिल की धड़कन कम हो जाएगी। तो ये फायदे थे दोस्तों हमारी चारों उंगलियों और एक अंगूठे के। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।